संजीव जी, हल्ला बोलिए बंद करने के लिए। हल्ला बंद, सॉरी। कौन-कौन परिवार में आप बड़े भाई आप हैं? लाइक नीचे रखना। कौन-कौन परिवार में? रविशंकर जी कई एक बार पैरवी किए, लास्ट में कुमार बजी कहा कि हम शक्कर देते हैं, देते नहीं, थक गए हम लोग, बॉडीगार्ड की मांग की, वो भी नहीं मिला। कई एक बार स्टेटमेंट भी टीवी पर दिया कि मेरा फल्ला आदमी से लिखित है मेरे पास, मतलब आप लोग को इस बात की आशंका थी कि कुछ ऐसी घटना हो। बिल्कुल नहीं, कब से आवेदन दे रहे थे कि मेरे परिवार को खतरा है, मेरा हत्या करवा दे, सच्ची है मतलब करवा दिया जाए, देखिए परिवार पर भी खतरा है, लेकिन नहीं पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुन। नहीं तो 23 का है, देखिए सब 2000 आदमी का नाम लेकर काम भी कर, ऊपर वाला हेडिंग खाली पढ़िएगा कि ये आदमी से एक बार नहीं, और सब लेटर 10 को हम लेटर दे चुके कि हमको सुरक्षा मुहैया है, लेकिन एक भी सूद नहीं। अपराधी सबको दे देता है और झूठ मूठ के कई वो केस में जो है सुनिएगा कि पल्ला पल्ला का आदमी जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी केस करवा दिया, जहाँ से लाश ला कर रख दिया, मेरे भाई पर हम पर हमारे इस आदमी पर जो है कह दिया कि आदमी स्कॉर्पियो में घींच के ले जाकर मर्डर कर दिया, वो आदमी 2 दिन के बाद जिंदा वापस सामने सभी लोग देखा है, पूरा गांव देखा, फोन किया कि तो जिंदा है कहां से आ गया, मर्डर हुआ था, पूरा पुलिस उसको पकड़ के ले गई, अब उसके खिलाफ अभी तक एक्शन है, जबकि हम लोग कहा कि यही आदमी हमको बताने का चेष्टा बराबर कर रहा है। देखिए वो एसपी का है, ये सब का है, एसपी डीजीपी एसपी उसकी सब का है, हमारे पास डीसीपी है, इसका एगो दोस्त बीरमणि का मर्डर हो गया, उनका भी हुआ 2017 में, दम अपना खास दम दोस्त जो है इंजीनियर, हां हम ही लोग के गाड़ी पे चली थी उस दिन, गाड़ी भी हम ही लोग का लेके गए थे, कार स्विफ्ट, उनका गाड़ी खराब था, व्हाट्सएप में लगा हुआ था, लेके जाते थे और उसको मार दिया कि मेयर के में तुम भी जो है ना कि सपोर्ट कर रहे थे उसको, दूसरा कोई चीज और से है सर, इतने आवेदन है लेकिन कोई फायदा नहीं हमको, सुरक्षा अगर उसको मिलता, अगर अपना पिस्टल और राइफल का लाइसेंस मिल जाता तो लड़का ऐसा था कि उसको मार नहीं सकता। हम लोग लगातार इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, उसको खुन्नस बढ़ते रहता था, पब्लिक आदमी कहता था कि नीलेश प्रसाद आज मेरा देख लीजिए पूरा गांव उल्टा हुआ था, कम से कम 50,000 आदमी था जो सब रो रही थी, ए टू जेड गांव का, ये 5-5 गांव का आदमी एक भी आंसू नहीं रुक रहा था, स्वतः आया हुआ सब जो है इस तरह का मैंने प्रेम था उससे, इतना मदद वो करता था जिसका कोई, आपको जानकारी भी होगा पंकज द्वारा, बिल्कुल क्योंकि पंकज उसका पीए का मैंने समझिए एक तरह से नजदीकी था, उसके बाद भी हमको लाइसेंस दिए, अब भी जानते हैं हमको इधर जब हम दिल्ली लेके गए हैं तो आवेदन इनसे दिलवाए हैं तो इधर मिला 5 दिन पहले, अगर यही हमको सुरक्षा अगर पहले मिल जाता तो कम से कम खौफ तो खाता, सही बात, मारने के लिए तो राजीव गांधी को मार दिया लेकिन कम से कम बहुत तो डरता भी तो था। इस तरह की हालत लगातार इधर दिया है, अभी इसको
थाना इंचार्ज बोला था। उस दिन क्या हुआ, कैसे 31 तारीख का ये घटना है, क्या हुआ? 31 तारीख को यही घर से निकल करके अपना ऑफिस जो है रास्ता करके, जहाँ आप ऑफिस जानते होंगे, तुरंत हल्ला हुआ, कार्यालय के बाहर गोली लगी। और तुरंत हल्ला हुआ तो हम लोग को भी अजीब सा लगा। यहाँ बाहर निकलते ही या नहीं, बस गली से निकले ऑफिस के पास। हमारा ये गली गली जो इधर से आया, इधर से आया ये 66 नंबर गली है और ये 65 नंबर है। 65 नंबर में उसका भी घर है और मेरा भी घर, मतलब उधर से एक गली है, गली से उन्हें उसका घर पड़ जाता है। दो घर के बाद उसका यही से नजर आ रहा है, तो ये घर उसका है। आप उस गली से, तो रात में इस गली से हम उसको बोले कि देखो बराबर तुमको आता है, तो बीरमणि जब जिंदा था तो झंझट किया था, एक बार तो झंझट किया था, तो हम कहे कि उस गली से तुम मत आओ रात में। रात में इस गली से आता था हर बार, मैंने उलसना उजलाना चाहता था, ये अपना देह बचा के हटता इतना कर दिया था कि घर की औरतों को निकलना पड़ा था। मेरी सास को उसका बेटा डंडा से भी मार दिया था कंधे पर। अच्छा, तो उसके बाद जो है इधर से जो है, चूंकि देखिए हमारा साथ इतना अन्याय किया, सब थाना वाला भी जानता है, लेकिन उसके बाद फर्जी केस, फर्जी पर फर्जी, मेरे पास मेरा भाई पर जो केस ही, कौन तो अमिताभ दास बोला है, दुर्भाग है इसका, इस तरह की बात बोलता है कि 13 को केस, एक भी केस सब फोर्स केस है, सब फर्जित हुआ है। मेरे पास उसका सबूत है मेरे पास, और मेरे भाई पर जबरदस्ती यही लड़का जो है ना, हमेशा कोई कांड कहीं हो गया घुसा देता था, और जनता में इतना पॉपुलर था, इतना आदमी को मदद करता था जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वो इलेक्शन हार नहीं सकता था, किसी कीमत पर नहीं हार सकता था, वो भी अभी पार्षद के चुनाव में 4 करोड़ रुपया हमारे यहाँ बर्बाद कर दिया। लेकिन हम कहे कि हम अपना भाई को बोले कि तुमको जनता इतना मानता है, तुम घर सूझ जाओगे जीत जाओगे, काहे को परेशान होते हो, आज जीते। नहीं, जैसा कि बोल रही है कि हमको कोई मन मुटाव नहीं है इनसे। अरे उनका बात क्यों कर रहे हो, झूठी का सरदार है टोटल। सिखाया हुआ है उनको, भी सिखा के गया हुआ है कि ऐसा ऐसा बोलना है, बता के गया है कि मतलब इस तरीके से बताओ सबको कि हमको कोई खुन्नस नहीं था, भाई हैं, बहन, ये झूठा झूठा जो रिश्ता अपना रही है बेकार है सर। क्या बोले इसके बारे में आपसे, शुरू से मेरे पति को फंसाने का हर एक बार हमको जानते हुए बोलता था कि भैया आप समझ नहीं रहे हैं, हमको ही मरवा देता। हम बोले एक बार, बोलते थे हजार बार, बोले भी उनको मिलवाए थे एक चश्मा सेंटर में, जिस दिन आप कमलेश जी के यहाँ उनके सराज में जा रहे थे, जी मिलवाए थे, वो पार्टी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो बोले कि ठीक है भैया दिल्ली गए तो उस समय आएंगे, उनसे बात विचार करके चलेंगे साथ में। तो बोले ठीक है, इसी पर्पज से आपसे भी हम मिलवाए भी थे। ये लोग का इतना आतंक है यहाँ कि सुन लीजिए, मैं आपके पार्टी में हूँ, युवा लोजपा में हूँ, सुन लीजिए, ये बैनर तक मेरा नहीं लगने दिया, मेरा बैनर नोच दिया, रात में हमको धमकी मिला था कि बैनर वहाँ से खोलो, लोजपा का बैनर आप किसी से, अभी हम आपको बोल रहे हैं पीठ पीछे, अगर कुर्जी मोड़ पर कोई अगर लोजपा का बैनर आज तक लगाया होगा आपके पार्टी में, तो आप इस पीठ पीछे, हम आपको पीठ के सामने बोल रहे हैं कि किसी से पूछ लीजिए, लोजपा का कोई बैनर कुर्जी मोड़ पर नहीं लगता है, हम अपना बैनर लगाएं कुर्जी मोड़ पर वेद भैया के कहने पर, बैनर तक नहीं नोचने, मैं नोच के हटा देता था उसका भतीजा। देखिए कोई भी 8वां तक पढ़ा हुआ लड़का नहीं है इस घर में, देख लीजिए छोटा बच्चा से लेकर सब संस्कारी लोग, सिर्फ मोटा मोटा वो लोग चैन पे, कमलेश हमसे जाते हैं, कमलेश ही जानते हैं, वो कमलेश ही बता देंगे आपको, बस बैनर तक नहीं लगने देता। सोच लीजिए ये जीत गए उसके इतना पुण्य, हम आज से नहीं साथ हैं, 15 साल से सब काम कर रहे हैं, कभी हम हार भी नहीं किए, हारेंगे भी नहीं। इनके बाबूजी भी 20 साल से मुखिया रहे, देखिए वो सामने तस्वीर लगा हुआ है, 20 साल से मुखिया रहे इस क्षेत्र का, और इसको खुन्नस था, ये चोकर बेचने वाला आदमी, टेम्पू चलाने वाला आदमी पैसा कमा लिया, उसके बाद धीमे धीमे जो है ना कि अस्तूरा तेज करना पूरे गांव को जो है ना कि, और यही एक लड़का था जो पूरे गांव को पेंडुलम को बराबर करता, कोई गरीब को सता नहीं सकता था, हमेशा मुखिया रंजीत सिंह मुखिया थे इस क्षेत्र का, उसका भी हत्या वो किया है, बीरमणि इंजीनियर उसका भी हत्या, सब में इसी का नाम है, कांस्टेबल थी सरस्वती अधिकारी, वो कांस्टेबल की हत्या किया हुआ था, कौन ड्यूटी, ये फोटो स्टेट है, हां हां दी, हां सब फोटो स्टेट है ना, अच्छा कुछ वो वाला केस नंबर करना है, देखिए सब फोटो स्टेट है, हां सब फोटो, ये देखिए हम केस नंबर के साथ उसको दिए हैं, कहे वो केस में देखिए उसमें धारा, उसमें उसका अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, बताए ना 6 गो शूटर है जिसमें से 2 गो को पुलिस उठा लिया, देखिए दीघा कांचन का ये में आर्म्स एक्ट में जो ये सजा, उसके बाद सजबता है, 3 गो केस में आजीवन कारावास है इसको, 2 केस में, एक रंजीत सिंह रंजीत मुखिया में, सरस्वती देवी पुलिस
पुलिस कांस्टेबल थी, पुलिस पुलिस थी, उसको जो है ना ऑन ड्यूटी हत्या किया है। रंजीत मुखिया 3 साल जेल भी गया था, 3 साल लगातार आजीवन कारावास मिला हुआ। एगो जेल में हत्या किया हुआ, उसका केस तो हमारे नंबर मालूम नहीं है, फुलवाड़ी में होगा या कहीं फुलवाड़ी जेल में होगा, फुलवाड़ी में होगा। हम तो जो जो हमारे पास जानकारी में था उतना हम बराबर लिखते रहे 2017 से। और अभी अब इसमें कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, 4 दिन और दे दीजिए, फिर 5 दिन मांगे, वो समय कल खत्म हो रहा है। पूरा पैसा खाया बताइए, इतना दिन निकलने के बाद और परिवार को अभी तक कोई सुरक्षा या कुछ कुछ नहीं। एक हफ्ता से मिला हुआ है, बस एक इसी इलाका में सब पटना जी है, बहुत लोगों को नाजायज हथियार का लाइसेंस दे रहे हैं, जिस परिवार को जरूरत हम लोग तो नहीं दिए लगातार। जब रवि शंकर जी बोले कि अरे यार जनप्रतिनिधि आदमी इतना पॉपुलर ही आदमी है और उसको कुमार रवि कहते दे देते हैं सर, उनका लिखा हुआ है केयर ऑफ रवि शंकर प्रधान, हम सब इनसे बोलबो किया था कहीं कितने कर देंगे 2 दिन 3 दिन और उसका ट्रांसफर हो गया होगा। ट्रांसफर में इसको बोला के बाप रहा है कि अगला डीएम आएगा ना उसको हम बोल देंगे दे देगा, बताइए। जब इसका दोस्त का जो मर्डर हुआ तब ये अलर्ट हो गया तो देना शुरू किया, बॉडीगार्ड के लिए कितना बार बोला समझे ना, एक बार इनके आलोक राज के पास इसको भेजे, ये भी एक बार गया दोबारा गेवे नहीं गया, जबकि हम लोग का मैंने दोस्त उनका परिचय था, वो भी बेचारे प्रयास किए थे, लेकिन अभी आवेदन पर आवेदन अभी हाल फिलहाल आवेदन दिए, जब इसको फिर धमकी मिला कि आपके नाम पर सुपारी दे दिया गया है थाना इंचार्ज बोला, तो फिर आवेदन दिया कहिया 23 तारीख को 25 लाख का सुपारी था भोला यादव नाम का। अच्छा वो तो खड़ा अलग है, वो तो तेज तो उसके बाद पुलिस सुरक्षा के लिए ही अपना आवेदन दिया, उसके बाद भी नहीं मिला। तो मरने के बाद जो है आदमी बॉडीगार्ड हमको भेज दे वो 2 महीना के लिए, बताइए। हम जनप्रतिनिधि नहीं हो, हम बिजनेसमैन नहीं हो तो एगो बात है, हम पूरे बिहार का सीएनएफ कोको कोला का सीएनएफ मेरे पास था, मेरा भाई चलाता था, इसके अंदर 400 आदमी खटता था, ऐसा थोड़ा है कि काम धंधा नहीं करता, हम पूरे बिहार का ट्रांसपोर्टेशन अपने कंपनी का है, हमको हमेशा पैसा लाना पड़ता है अपना दीघा गोडाउन से 10 लाख 15 लाख एनी टाइम हमको लाना पड़ता है पर डे, हमको उसके लिए भी चाहिए था कि सुरक्षा भाई कम से कम थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कितना गोली लगा था उस दिन? 7 गोली और 7 गोली के बाद भी जी जाता सर समझे, वो हिम्मत का इतना तगड़ा आदमी था, सोचिए उतना के बाद भी वो 24 दिन स्ट्रगल किया और 24 दिन के बाद 22 तारीख को रात में हम बहुत खुश हो गए, चूंकि 100 बार वहाँ खोला बंद किया, लेकिन हमको लगता है कि रात में हो सकता है कि इसको होश आया होगा और या तो स्पाइन में जो गोली लगा था वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, उससे वो स्वेलिंग कम हुआ होगा, उसके चलते वो जब होश आया तो उसको लगा होगा कि अरे हम शॉक किया होगा, उसमें एक बैग जो है 7:30 बजे 8 बजे मालूम हुआ कि इनका तो हार्ट अटैक कर दिया, CPR दिया फिर वापस नहीं। वहाँ रविशंकर जी अपने जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा के डॉक्टर से डॉक्टर दीपक अग्रवाल GD सत्यार्थी सब बेचारे मिलकर मेहनत बहुत किया वहाँ। और उसके बाद से यहाँ स्थानीय प्रशासन सरकार से कुछ अभी कुछ तक रोज आज बिहान आज दिन हो रहा साहब तो दो है उसका दिन मौका दीजिए, 5 दिन का समय बस, 1 सप्ताह और करते करते इतना समय, जबकि जो लाइनर जो ये है उसका फोटो भी एकदम साफ साफ आ गया, कोई नहीं है वो CCTV फुटेज वगैरह आया फुटेज का सर एकदम उसका पूरा पता लगाए हुए पुलिस से पूरा एकदम पूरा पूरा सौ शरीर फोटो है। इमरान और पीयूष दो को भाई अभी नहीं पकड़ाया, और है 2-4 आदमी और है, आप प्लस ही सारा हमने जिस दिन FIR किया जिस दिन गोली लगा उसी दिन हम FIR किए, हमने कहा कि कहीं मत जाइए, आप इस आदमी को तीनों को उठाइए और एक भी भाई 10
लाठी में या 5 लाठी में ही सारा चीज बक देगा। इसमें इतना हिम्मत है, इतना पैसा का खेला खेला, पैसा दे दिया और किसी को कहे, सबको पैसे से मरवाया, रंजीत सिंह को मरवाया पैसा देके, उसके बाद मुखिया था, उसके बाद जो है ना कि बीरमणि को पैसा देके मरवाया, सरस्वतिया देवी को उसका आके लड़कन का दारू पिला के दम वो लेडीज को मरवा दिया सबसे पहला केस। उसके बाद जो है ना 5-6 केस ऐसा है जो मर्डर का है, जो केस दर्ज नहीं हुआ एथी में थाना में, गरीब आदमी था वो नहीं बोला, सीधा आदमी था डरे नहीं बोला। अब बताइए इतना इतना अपराध क्यों है, मिला जुला के इसके पर कम से कम 20 गो अपराधी केस है, 302 का तीनों थाना में खाली पता लग रहा है, सोनपुर थाना, उसके बाद दीघा थाना और पाटलिपुत्र, आप फुलवारी थाना लगा लेगा इसको 15 से 20 केस 302 का मिलेगा आराम से। अब वैसा आदमी को एकरे पर झूठ मूठ के अगर रंगदारी में तो उसको तुरंत पुलिस सुरक्षा मिल गया था, बताइए उसी आदमी को, दुर्भाग्य है। अच्छा, उन लोग को पुलिस सुरक्षा मिल गया, एक बार मिला था, अभी लगे ना कल आलम भीड़ था पूरा दीघा से लेकर, दीघा आपका जो रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं ऊपर ओवर ब्रिज, वहां से लेकर और ये गोसाई टोला और पूरा जो है ना कि पॉलिटेक्निक जो साईं मंदिर वहां तक पूरा आदमी खचाखच भरा हुआ था। उस आदमी में हम रोकते रोकते जो है ना, उसके बाद कौन अभी देखिए कि FIR है, कुछ कुछ उसके दरवाजा पर चुप रहेगा, आप अरेस्ट कर लेते तो आदमी उतना आदमी था तो ईंटा लूट लेता, लेकिन हम लोग मना किए कि कोई गड़बड़ नहीं किया, लेडीज लोग सबको रोके हम लोग, बोल रहा था कि आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो हम अपना मुखिया का जाके बदला ले लेंगे। सारा गांव अभी उग्र पोजीशन में है, अब बताइए हम क्या करेंगे, हम तो गोड़ हाथ पड़े पहले ही प्रार्थना कर देते कोई कुछ नहीं करेगा, उसके बावजूद सारा आदमी सिस्टम से गया। बार-बार DSP बोल रहे थे हमको कि कुछ होगा पंकज तो तुम पे केस करेंगे, कुछ होगा तो तुम पर केस करेंगे, तुम क्या क्या करीबी हो सर तुम पर केस करेंगे, अगर कोई चीज होगा तो तुम केस करो, तो क्या कोई मना कर रहा है केस का, गलत कर लिया सबको रुक जाता का, हम लोग नहीं रोकते तो रुक जाता है, उसको रोक सकते हैं, कितना को हम रोक सकते हैं, वो तो हम लोग रोक दिए, नहीं तो मोम को रोक लेता पुलिस। हम लोग बराबर कहते आकाते थक गए, अगर हम नहीं आवेदन दिए हुए रहते या अपना सुरक्षा का गुहार नहीं करते, थैंक यू, तो लगभग सही बात, साबूत तो छोड़िए ठीक है, जो होना था वो तो कर दिया, उसके बाद भी अपराधी को आप सजा नहीं दिलाइएगा, पकड़िए, अभी तक पकड़ाया नहीं है, आपका क्या आपका गुप्तचर है क्या है आपका, अभी नया टेक्नोलॉजी से आदमी सब जगह पकड़ा रहा है, ये जो है बेलगाम में अजय कोर्ट में देखिए चल गया गोली, अभी 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 तो एक आधा घंटा पहले कोर्ट में मार दिया, एकदम कोर्ट में घुस के दोनों बच्चा मेरा कौन सी क्लास में पढ़ता था, 6th, और ये फोर्थ, ये फोर्थ सन माइकल में पढ़ता और नोटर डेम में पढ़ता, अच्छा नोटर डेम, हम लोग इस कल्चर का देखिए, हम लोग इस कल्चर का ये नहीं थे, मेरा भाई बराबर कहता था कि आप नहीं समझते हैं ये बहुत दुष्ट प्रकृति का, हम यार छोड़ो ये बगल में ये धना बोले तो यार कान कर रहा हूँ बोलते तो हमेशा हम सब, लेकिन बराबर जब बीरमणि सबका 2-3 आदमी का लगातार करते जा रहा है, 12 के 12 आ रहा है, इसको अंदर ठेल है, इसको इतना केस है, इतना केस है, CPM मांग की कि उसके ऊपर जितना केस है उसको स्पीड ट्रायल करा के देखिए सब में सजा हो जाएगा इसको, आप बताइए कि स्पीड ट्रायल चलाइएगा नहीं, आप 10 वर्ष केस आगे बढ़ते जाएगा वो प्रभावित कर देता है एथी को, नहीं इसका भी कुछ नहीं होगा ना सर, इसका क्राइम बढ़ते रहे ऐसा नहीं कि रुकेगा, और अभी भी हम लोग कहाँ सुरक्षित है, उसका मेन कांटा तो नीलेश मुखिया था, उसको हटा दिया तो यही सोच रहा है कि ये लोग क्या कर लेगा, उसका मेन मोटो था कि हम इस गांव में राज करें, बोलने वाला नहीं मिलेगा, ओनली यही आदमी था बोलने वाला, बस रोकने वाला कोई चीज, गलत काम नहीं कर सकते, रोकना।
करना चाहें जिसको हम आगे तक पहुँचाएं। इसके लिए अविलंब जो है इसको पकड़े और इसके लिए फांसी का सजा दे। अंत किया है एक नहीं ना है इस पर दर्ज, इतना हत्या करके इसको बेल मिल जाता है, क्यों मिलता है? ऐसा आदमी को जीने का क्या अधिकार है बताइए? कल क्या मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खतरा नहीं है उसके यहाँ सबका? वही पर उसका भी बच्चा बड़ा हो तो अपराधी ही होगा, बस कोई पढ़ाई लिखाई उसका है नहीं, सब वही होने वाला है। आप एसपी जो है ना कि एगो बॉडीगार्ड भेज दिए साहब, ये को बॉडीगार्ड इनके संग पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद इनको जाना रहता है, हमको बाहरी काम करना है कुछ नहीं। बच्चों को भी सर हम अकेले नहीं भेज रहे अभी, जितना खतरा है मेरा बच्चा बहुत आक्रोश में था, इसको हम शांत करा है बहुत, जितना तकलीफ दिया है। ये भी लोग स्कूल जाता है तो सेफ नहीं है, गार्ड को दे ही के भेजते हैं। सिर्फ डीजीपी से मांग कीजिए कि इसकी जितनी केस है इस पर स्पीड ट्रायल टोटल केस एकदम जो है ना कि अब एक केस नहीं है, सब 10-10 बरस सब ओपन करवाइए सर, 10 बरस 8 बरस 15 बरस ऐसे केस का हो। मुख्यमंत्री डीजीपी और केंद्र में भी दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री के इसकी जानकारी दीजिए। और ये को तीन चार थाना से इसका रिकॉर्ड मंगाइए सर, दीघा थाना, पाटलिपुत्रा, सोनपुर और फुलवाड़ी, टोटल केस इसके पास 15-20 मिलेगा 302 का। हैरत का बात तो यही लगता है सर, इतना इस पर हत्याकांड केस है, कुछ हुआ ही नहीं, इसको हमेशा बेल मिल जाता है।